एंड ये देख सकते हैं सभी ऐप, और ये रहा खट्टर, एंड ऊपर से ये भी आ रहा है। और यहाँ से आप अवसर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई के बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही सेम इंटरफेस आएगा, जैसे इसको ऊपर उठाएंगे आपके वही ऐप आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने जो पिछली वाली वीडियोज बनाई जिनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें भी बताओ कि कैसे हम अपने टैब के अंदर टेम्परेली खट्टर को ला सकते हैं जिसमें कि आपके सभी ऐप भी चल जाएंगे और साथ में दोस्तों आपका खट्टर भी दिखाई देगा जिसमें कि आपके स्टूडेंट की शौक वगैरह ये सभी दोस्तों आपके टैब के अंदर आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर स्टूडेंट की शौक को डाउनलोड करेंगे अगर आपका टैब नॉर्मल हो गया है तो, और फिर कैसे अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर आप खट्टर ला सकते हैं और साथ में सभी ऐप को चला सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहता है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप साइड में देख रहे हैं, ये है मेरे टैब की स्क्रीन। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेंगे जिससे कि अगर हमारे टैब के अंदर परमानेंट खट्टर आ जाता है तो हमारा दोस्तों दोबारा से टैब नॉर्मल हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगा देते हैं यहाँ पर साइड की, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे साइड बटन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ऐप है। तो यहाँ पर हम साइड में सेटिंग पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने पहले से ही कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अगर प्रेस करके देखूँ दो बार तो आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट सिंपली से ओपन हो रहा है। एंड अभी हम दोबारा से फिर जाएंगे एंड अब हम सर्च करेंगे मोड्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मोड्स सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोड्स एंड रूटीन जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो मोड्स एंड रूटीन ऑन ऐप स्क्रीन। तो इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा शो मोड्स एंड रूटीन्स और ऐप स्क्रीन, इसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको शो रूटीन्स ऑन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऐड रूटीन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके वाईफाई को चूज कर लेना आपको। तो हम यहाँ पर दोस्तों वाईफाई को चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन को चूज कर लिया है और यहाँ से वाईफाई मैंने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर वाईफाई को ऐड कर लिया है। एंड अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब अगर हमारे टैब के अंदर खट्टर भी आ जाता है तो भी दोस्तों हमारे दोबारा से सेटिंग वगैरह ओपन हो जाएंगी। एंड अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर स्टूडेंट की शो को डाउनलोड करेंगे जिससे कि आपके टैब के अंदर खट्टर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपली से वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। एंड अब हम यहाँ पर सिंपली से चले जाएंगे गूगल पर। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जाने के बाद सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो भी आप देख सकते हैं सर्च वाले आइकन पर हम चले जाएंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों हमें सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही दोस्तों आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है अंकित मोर टेक 1.blogspot.com। आप देख लीजिए दोस्तों यही आपको सिंपली से लिख देना है और आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। अगर आप और कुछ टाइप करोगे तो आपका ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको लिखा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यही दोस्तों आपको जैसे यहाँ पर लिखा दिख रहा है वैसा का वैसा यहाँ पर आपको सर्च करना है। तभी दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो पहले यहाँ पर अगर आप सिंपली से वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पोस्ट दिख रही है यहाँ से भी आप किसी को आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पोस्ट नहीं दिखे तो आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको किसोक लिख देना है। जैसे ही आप कियोस्क लिखेंगे स्टूडेंट कियोस्क ऐप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप आ गया है। यहाँ पर आपको पहली वाली पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल। एंड दोस्तों जो ऐप का साइज़ होने वाला वो होने वाला है 4 MB। तो 4 MB का ही ऐप है, बस आपका थोड़ा सा डाटा जाएगा। एंड इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देख लीजिए आप डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड एनीवे का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट टैब है इसके अंदर ये वाला जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लग जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है। एंड अभी आप देख सकते हैं आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये थोड़ी देर के अंदर ही दोस्तों हमारी डाउनलोड हो जाएगी। एंड अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 1 MB 2 MB डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी डाटा की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है इसलिए इतनी आराम से ये डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारा यह ऐप यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ पर आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग
इनेबल कर देनी है, जिससे कि आपका ये क्रोम ऐप के अंदर यहाँ पर डाउनलोड हो सके। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है एंड अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है स्टूडेंट किशोक। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये डाउनलोड हो चुका है ऐप। अब डाउनलोड होने के बाद हमें सिंपली से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको बीच वाले बटन को प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर स्टूडेंट किशोक आ गया है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके टैब के अंदर कटर आ जाएगा। पहले मैं अपने बटन को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ वरना मेरा दोबारा से सही नहीं होगा। तो मैं ये सेटिंग आपको बताना भूल गया था। यहाँ पर आपको सर्च करना है नेविगेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेविगेशन सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं नेविगेशन बार आ गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नेविगेशन बार को आपको स्वाइप वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे बटन यहाँ पर गायब हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये वाले बटन यहाँ पर लग गए। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल इसी तरीके से बटन काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट किशोक ऐप एंड अभी आप देख सकते हैं साथ में कटर आ गया था एंड ये देख सकते हैं सभी ऐप और ये कटर एंड ऊपर से ये भी आ रहा है। और यहाँ से आप अवसर आपको डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई के बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही सेम इंटरफेस आएगा, जैसे इसको ऊपर उठाएंगे आपके वही ऐप आ जाएंगे। ये थी दोस्तों वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बेटा, जय हिंद।